गाइस मेरा हाथ जल गया है, देखो रंगीन पेपर लग गया। रंगीन पेपर ऐसे तो मत बोलिए पापा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी इट्स नॉट गुड मॉर्निंग, इट्स आफ्टरनून, क्योंकि अभी टाइम तीन बज रहे हैं। एंड आज जो है, आज मेरे पास एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट है मेरे पापा के लिए। तो मैं सोच रही थी कि मैं कब दूँ, तो फाइनली आज वो दिन आया कि आज मैं उनको दूंगी। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो गिफ्ट ऐसा है कि पापा को मे भी मतलब पसंद आए। मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है वो, मतलब बहुत बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए वो, लेकिन पापा के लिए मे भी ना हो। वैसे तो होगा ही, लेकिन जैसे एज़ कम्पेयर अभी के टाइम में जो भी है पापा का या फिर मेरा, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब एक छोटा सा गिफ्ट है मेरी तरफ से, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा है, पापा के लिए भी बहुत बड़ा होगा। क्योंकि अगर पेरेंट्स को, अगर बच्चे कुछ भी देते हैं अपने अपने पास से, अपनी अर्निंग से, तो उनको बहुत बड़ा लगता है। तो ऐसे ही पापा को बहुत अच्छा लगेगा, आई होप कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। तो अभी अभी भी मैंने सोचा कि चलो उसको पैक वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि रैपिंग पेपर से रैप कर लूँगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा, वरना डायरेक्ट तो दिख जाएगा कि क्या है। पहले पापा को गेस करूँगी क्या है, कैसे टाइप का। तो वीडियोज़ में ऐसा होगा कि पापा को नहीं पता होगा कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, बिकॉज उनको तो वैसे भी पसंद नहीं है कि वीडियो वगैरह, तो मतलब गुस्सा करते हैं, ऐसा तो आपको पता ही है। वैसे जो लोग मेरी वीडियोज़ देखते हैं उनको तो पता ही होगा कि मतलब पापा गुस्सा करते हैं। तो देखते हैं आज मैं वेट कर रही थी खुशी जब आएगी तो मैं वीडियो शूट करवाऊंगी उससे, ऐसे कि वो पकड़ी रहेगी, पापा को लगेगा कि फोटो शूट वगैरह हो रहा है, तो वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे और फोटो से रिकॉर्ड से ही कैप्चर भी कर लेंगे अगर हमें चाहिए होगा तो स्क्रीनशॉट फोटो वगैरह। तो यस, आज अभी मैं जा रही हूँ पैकिंग करने के लिए। जो भी गिफ्ट है मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ क्या है। देखो कितना प्यारा सा है, आप सोच रहे हो ये क्या है, बिल्कुल हल्का सा। तो यस, इसको बनवाने में ना मतलब बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगा है, लेकिन वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। इसको बनवाने में बहुत कम पैसा लगा है, बहुत कम पैसा लगा है। तो आई होप कि पापा को ये पसंद आएगा, तो चलो इसको पैक करते हैं। गाइज, मेरे गांव में पैकिंग पेपर नहीं मिल रहा है। नरगिस गई थी 2-3 दुकान पर, मिला ही नहीं, पता नहीं कहाँ पर है। पैसा भी लेकर वापस आ गई। मैंने इसको 4 रुपये दे दे, मुझे लगा कि 2 रुपये में मिल जाता है, फिर भी 4 रुपये दे के अगर लगेगा तो एक्स्ट्रा लगा लेना, कोई बात नहीं। नहीं मिल रहा है तो हम कागज़ से पैक कर लेंगे, न्यूज़पेपर से। अगर नहीं मिलेगा तो एक बार और देख लेती हूँ कहीं पर, अगर मिल जाता है तो ठीक है, वरना कोई नहीं। गाइस, दिवाली की सफाई हो रही है, देखो। अरे चायवा गिर गए, लो देख लो। ध्यान देने उन्हें भटके वो तो ये ना हुई। और ये हमारे घर से पीछे का लुक, जो कि ये हमारा घर है, दिस वन, ये वाला। और यहाँ पर लगा हुआ एक फूल, इस फूल का क्या नाम है मम्मी? ये शंकर भगवान को चढ़ता है ना। तो गाइस सफाई हो रही है, देखो पूरा ऐसा अजीब सा हो रखा, गंदा सा लग रहा है बिल्कुल। यहाँ पर नंगे पांव तो घिन आ जाएगा एकदम। और यहाँ पर चल रहा है टीवी। मिस्टर नवीन थोड़ा अपना मुंह दिखा दीजिए ना ऊपर। गाइस, इनकी शक्ल बहुत ज्यादा गंदी है, इसलिए अपना फेस नहीं दिखाते हैं। जा रही हूँ बाहर फाइनली। खुशी पता नहीं कहाँ गई है, खुशी गई है। और रैपिंग पेपर सर्च करिए, अगर कहीं मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। तो गाइस ये देखो, ये गांव में मेरे पेपर मिला है, और इतने सारे दुकान घूमने के बाद ये मिला। और ये देखो इतना छोटा है कि जो नॉर्मल पेपर होता था ना हमेशा से, उसका आधा है। आई डोंट नो, ये कटा हुआ है, काट के उन्होंने रखा था या फिर क्या, ये जो भी उनकी चालाकी हो। तो ये मिला है 5 रुपये का, 1 रुपये या 2 रुपये का मिलता था अभी। मैं कुछ पिछली बार ही आई थी ना, 1 महीने पहले, तो ये 2 रुपये का मिल रहा था, अभी ये 5 रुपये का मिला है, और वो भी आधा। अब वापस भी नहीं करना चाह रहे हैं। खुशी तो कह रही है कि 2 मैं वापस करके आ रही हूँ, ऐसे मतलब छोटा दे दिया है तो। लेकिन मैं सोची कि कोई बात नहीं, वापस अब लगाना ही है तो अब क्या ही वापस करें, कोई बात नहीं, 5 रुपये समझ लो कि वो रख लेगा। तो यस, तो मैं अभी देखो ये जो है गिफ्ट है, मतलब इस पर जो फोटो है वो मैंने आपको दिखा रही हूँ, तो इसको मैं पैक कर देती हूँ। और हाँ गाइज, हमारे पास ट्रांसपेरेंट टेप भी नहीं मिल रहा है, मतलब घर में है कहीं ना कहीं, बट आई डोंट नो कि वो कहाँ पर है। तो इसको है ना ट्रांसपेरेंट टेप से इसको हम लोग चिपका देंगे, और कैंची से मैं कट कर लूंगी। तो गाइज, महारानी विक्टोरिया ने ये पैक कर दिया है, और कैसे किया है ऐसी, लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था तो हमने ऐसी बस कर दिया है, किया है, बहुत अच्छा किया है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब शाम को ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वीडियो कैप्चर करोगी पापा को, मतलब पापा डांटने लग गए तो
नहीं तो उनको पता नहीं चलना चाहिए ना फिर तुम ऐसे ट्रीट करना कि नहीं अपने टैलेंट को शो करना ओके तुम्हारे अंदर तो बहुत सारा टैलेंट है ओनली बदतमीजी वाला यस गाइज ये पढ़ती लिखती नहीं है वहां पर भी बस दिन भर सोती है ये और श्रुति वो भी सोती रहती है ये भी सोती रहती है या तो फिर फोन चलाएंगे दोनों या फिर दोनों एक दूसरे के साथ फालतू की बातें करेंगे और कभी इन दोनों को पढ़ते हुए नहीं देखा है वो तो कभी कभी पढ़ भी रहती है तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ती है और घर साफ करो तुम्हारा इंतजार इसीलिए हो रहा था ठीक है कि तुम जल्दी से और घर साफ करो हाँ नाटक मत करना कि ये तबीयत खराब है वो तबीयत खराब कुछ खराब नहीं है चलो दिख रहा है साफ साफ एकदम अभी मैं वेट कर रही हूँ पापा का कि कब तक आएंगे और आई डोंट नो कि ये जो मेरा प्लान है पापा को पसंद आएगा कि नहीं और ये मेरा प्लान एग्जीक्यूट भी हो पाएगा कि नहीं कि मैं गिफ्ट के तरीके से दे पाऊंगी यानी आई डोंट नो तो यस तब तक पापा आए जब तक मैं कुछ और ही काम करूंगी बस पापा आने वाले ही होंगे बिकॉज शाम तो हो ही गई है थोड़ा टाइम आ जाएंगे पकौड़े लाएंगे वाह तब तो हमारी पार्टी भी हो जाएगी यार ला दे यार मेरे बहुत मन कर रहा है पता है बेटा मोमोज खाएंगे मैंने कहा नो अच्छा गाइस हमारे तरफ एक दुकान है ठेला जहाँ ठेला यू नो ठेला मीन्स क्यों नहीं ठेला जानेगा कोई बहुत लोग नहीं जानते ठीक है तो जो होता है ना कि उस पर जो चीजें बनती हैं वो बहुत बेस्ट होती हैं एज कम्पेयर टू मॉल वगैरह जो भी हो मॉल में तो मुझे कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती है और घर का भी वो पनीर पकौड़ा नहीं बन पाता है वैसे जैसे कि वो मिलता है बहुत ज्यादा यम्मी बिल्कुल चारों तरफ मसाला है मेरे मुंह में पानी आ रहा है तो बस जल्दी से आए पापा फिर अगर पनीर पकौड़े लेकर आएंगे तो फिर जल्दी से आ जाए वरना फिर थोड़ा लेट भी चलेगा गाइज मेरा हाथ जल गया है चाय से देखो तो गाइज फाइनली आ गया हमारा पनीर पकौड़ा और अब हम खाने जाएंगे मुझे इतनी जोर की भूख लगी थी दोपहर में भी भिंडी की सब्जी थी तो मैं कम खाई थी बस इतना ही क्यों है रुको यार है ना निकालने तो आराम का यार मेरे मुंह में बहुत पानी आ रहा है जल्दी कर दूंगी और तो चलिए बात हम यहाँ पे आई होता है बुआ को भी बोल दो रंगीन पेपर ऐसे तो मत बोलिए पापा नरगिस कह भी रही है कि 5 रुपए का नहीं है 2 रुपए का है कह रहा है नहीं हम लोग के पास ट्रांसपेरेंट है तुमने ढूंढा नहीं मेरे को पता है कहाँ पे यहाँ रखा है मैंने अपने पापा को गिफ्ट दे रहे हैं वो लोग तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अरे वाह पढ़िए तो इसको पापा पढ़ लिए हम जो है इसी पढ़ लिए ऐसे पढ़ के बताइए पढ़ लिए बस पढ़ लिए स्पेशल गिफ्ट फॉर यू पापा 1 लाख ओनली मम्मी को नहीं दिया तुमने मम्मी को पिछली बार नहीं दी थी गोल्ड का वो कान का चलिए और पापा अपने खाते में जमा कर लीजिए नहीं पापा क्यों पापा ऑलरेडी है आपके पास कहाँ से आ गया नहीं अच्छा ठीक बा ये कौन सी बात होती है पापा अगर आपको कुछ दे रहा है तो दे रहे हैं तो अपना रख लीजिए आपको दी हूँ तो आप इसको रखिए इसको प्रिंट आप रख लीजिए एक ही लाख का नहीं हुआ 50 रुपए का ये नवीन में प्रिंट कराए और ये ऊपर से 20 रुपए का ये लगा है और ये अंदर जो डेकोरेशन दिख रहा है वो काफी बोला ये अच्छा लग रहा है सिंपल से बोला तेरे पापा को कुछ पसंद नहीं आएगा सादे इंसान है पापा कोई लॉन्ग टर्म फायदा होगा स्कूटी खरीद दीजिए मेरे लिए नहीं ये कोई बात नहीं होती है पापा मैं आपको दी और आप अपने लिए खरीदिए स्कूटी हमारे पास है हम क्या करेंगे आपके पास स्कूटी कहाँ है बुलेट ले लीजिए तो मम्मी आपको कैसा लगा पापा को तो मैंने दे दिया और आपको कैसा लगा आप ऐसा तो नहीं सोच रही ना कि आपको नहीं दिया है अभी इसके पहले आपको दी थी तो पापा को सिर्फ एक 200 का लुंगी दी थी गहना दी थी आप हाँ कान का यस हमको बहुत अच्छा लगा अभी कैसा लगा ये जो पापा को मैंने दिया बहुत अच्छा लगा बहुत खुशी हुआ ये मैंने इसलिए पहले दिया नौकरी का पैसा यस ये मैंने इसलिए दे दिया अभी क्योंकि दिवाली है कुछ टाइम बाद तो दिवाली में मतलब पापा अगर कुछ खरीदना होगा तो खरीद लेंगे तो ये दिवाली गिफ्ट था मेरी तरफ से तो मैंने सोचा कि मैं आज ही दे दूं बिकॉज उस दिन तो कुछ खरीद नहीं सकते आज ही दूंगी तो अगर उनको चाहिए होगा कुछ तो दिवाली के लिए खरीद लेंगे तो गाइस पापा को बहुत ज्यादा अच्छा लगा और पापा मुझे बाद में फिर बोले क्योंकि उनका कॉल आ गया फिर वो चले गए क्योंकि बगल में एक भैया उनसे कुछ बात करनी थी तो मेरा पिंग भी आ गया तो मैं ऑफिस का करने चली गई थी वो फिर से आ रहा है एंड यस और क्या बताऊँ हाँ फिर पापा का कहना ये है कि कुछ पैसा और उसमें ऐड करके और हम कुछ गाड़ी वगैरह खरीद लेते हैं तो मैंने बोला कि नहीं अभी गाड़ी की जरूरत तो है नहीं तो देखते हैं क्या करना है क्या नहीं और
और खुशी कह रही है कि इसको मैंने कुछ भी नहीं दिया, इसको दिवाली के लिए कपड़े चाहिए थे, है ना? और क्या खरीदिया? इतना तो तुम्हारे लिए खरीदी हूँ, अब क्या चाहिए? खरीदी हो यार, सही बताओ। इतना तो खरीदी हूँ गाइज, मैंने इसको फिर से बताओ गाइज, मैंने इसको 2000 रुपए दिए हैं खाली अपनी सैलरी से। और क्या चाहिए तुमको? स्कूटी के लिए बहुत टाइम है। चाहिए मेरे को। तो गाइज आज है सेकंड डे और अभी मैं सोकर उठ गई हूँ बहुत पहले। देखो मैं चाय भी पी रही हूँ। और कौन कौन है जो ग्लास में चाय पीता है? तो गांव में हम लोग ग्लास में चाय पीते हैं, कभी कभी कप में भी पीते हैं, मतलब कभी कभी ग्लास में पीते हैं बाकी कप में पीते रहते हैं। एंड कल रात तो ऐसा हुआ कि पापा को जब मैंने गिफ्ट दिया तो पापा ने ओपन किया और उसके बाद उनका कॉल वॉल आगे चले गए। फिर पापा का कहना था कि उसको वो मतलब या तो फिर कहीं इन्वेस्ट कर दें या फिर उसमें थोड़ा और पैसा मिला के गाड़ी खरीद लें। और अभी दिवाली के लिए प्रॉपर क्लीनिंग हो रही है क्योंकि यार बहुत ज़्यादा गंदा है और मेरा भी बिल्कुल ऑफिस था तो मैं कुछ भी क्लीन नहीं कर पाई। खुशी आई तो थोड़ा बहुत साफ करेगी अभी। और आज सैटरडे संडे है तो आज ही मतलब थोड़ा बहुत मैं भी कर सकती हूँ, कल भी करूँगी और परसों ही है दिवाली। बहुत ज़्यादा मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने तो अपने फ्रेंड्स को भी बोला था आने के लिए लेकिन वो लोग नहीं आए। तो मतलब कोई भी अपनी सबके घर में दिवाली है तो सब लोग अपने अपने घर जाएंगे इसलिए। और गांव में मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है कि मतलब मैं किसी को बुलाऊं। एक होता है ना कि कहीं पर जाओ तो कोई फ्रेंड वगैरह मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, बट मेरे गाँव में कोई भी फ्रेंड नहीं, एक भी और क्लास का मतलब स्कूल टाइम का भी कोई फ्रेंड नहीं है। अब मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैं सोच रही हूँ कि इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड कर दूँ। एंड आई होप आपको ये व्लॉग कैसा लगा और आपको कैसा लगा मेरा गिफ्ट जो पापा के लिए मैंने दिया। और बाकी लोगों को जो मैं गिफ्ट दूंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एंड पापा को पता नहीं था कि वीडियो बन रहा है, पापा को लगा कि चलो ऐसे ही मस्ती हो रहा है तो कोई बात नहीं। तो पापा को पसंद नहीं है ना इसलिए मैं उनके सामने नहीं बना पाती, इसलिए मैं कुछ बोल भी नहीं पाई वहाँ पर। तो बस आई होप आपको ये छोटा सा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।